लोक निर्माण विभाग के सिविल वृत्त कार्यालय को बागेश्वर से अल्मोड़ा शिफ्ट किए जाने से नाराज ठेकेदार संगठन ने जिले के दोनों विधायकों को ज्ञापन सौंपा है। ठेकेदार संगठन ने कहा कि सिविल वृत्त कार्यालय यदि शिफ्ट किया गया तो ठेकेदारों सहित आम जनता को भी परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि जिले के दोनों विधायकों को इस संबंध में मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से वार्ता करनी चाहिए। इस मौके पर विधायक चंदन रामदास व बलवंत सिंह भौरियाल ने कहा कि वह सीएम से वार्ता करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कार्यालय को बागेश्वर से अल्मोड़ा शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा। सिविल वृत्त जो अधीक्षण अभियंता कार्यालय जो बागेश्वर में स्थापित है, इसको जो है हटाने की कार्यवाही सरकार द्वारा चल रही है। उसी के सिलसिले में हमने माननीय विधायक बागेश्वर और माननीय विधायक कपकोट यहाँ पर आए हुए हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है कि सिविल वृत्त को यहीं रहने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सिविल वृत्त रहने से हम लोगों को जो है बहुत परेशानियाँ कम हो रही हैं। अगर अल्मोड़ा चले जाएगा तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, क्योंकि आना जाना, समय की बर्बादी, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को परेशानी होगी। और नंबर दूसरा चीज़, ये PWD लोन निगम कार्यालय में जो अधिशासी अभियंता हैं, यहाँ पर जो है नए टेंडर नहीं लग पा रहे हैं, पुराने टेंडर निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं, नए पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, नए आगणन नहीं बन पा रहे हैं, नए प्रस्ताव नहीं बन पा रहे हैं। तो हमने जो है इनको भी हटाने की यहाँ पर मांग की है, अधिशासी अभियंता को हटाने की मांग की है। और सिविल वृत्त जो बागेश्वर में कार्यरत है, जो जनपद बनने के बाद यहाँ पर 2014 में खुला हुआ था और जो अभी कार्यरत है, उसको यहाँ से हटाने की बात हो रही है शासन द्वारा। तो हमने निवेदन किया है माननीय विधायक कपकोट और माननीय विधायक हमारे बागेश्वर से, हमने निवेदन किया है कि इन दोनों जो है विधायकों से हमने निवेदन किया है कि सिविल वृत्त को यहाँ से न हटाया जाए, क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्र है। आप देख रहे हैं अभी हाल ही में यहाँ पर इतनी बड़ी आपदा आई है, ये जो है गिरेछिना वाली रोड पे। तो इसलिए हमने ज्ञापन दिया सर जी, हम चाहते हैं ठेकेदार संघ अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। विधायक गणों ने आश्वासन दिया है कि हम जो है सिविल वृत्त को यहाँ से नहीं जाने देंगे और सिविल वृत्त यहाँ पर रहेगा, क्योंकि हमारा जनपद जो है, हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो ऑफिस आ गया है, अगर वो यहाँ से चले जाएगा, ऑफिस को लाने में तो बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जाने में जो है 2 मिनट में ऑफिस चले जाएगा, लेकिन लाने के लिए कितनी परेशानी होती है, कितनी परेशानी से ये लोग यहाँ पर लाए हमारे विधायक गण और क्षेत्रीय जनता जो है यहाँ पर इस ऑफिस को लाई है। अगर ये ऑफिस चले गया तो बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ के लोगों को दिक्कत होगी, इसका प्रभाव जो है आने वाले समय में बहुत खतरनाक जो है इसके प्रभाव पड़ सकते हैं। पर्वती कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन बागेश्वर के हमारे सभी प्रतिनिधियों ने हम दोनों विधायकों को आज एक ज्ञापन दिया है। इस पे जो हमारा अधीक्षण अभियंता का कार्यालय बागेश्वर है, जिसको समाप्त करने का शासन ने आदेश किया है, इसके विरोध में आपने एक ज्ञापन दिया है। वास्तव में बागेश्वर जिला हमारा पिछड़ा जिला है, यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, यहाँ के कामों की स्थिति को देखते हुए अधीक्षण अभियंता कार्यालय खोल रखा था और सरकार की नीति ने इस कार्यालय को जो यहाँ से हटाने का प्रयास किया है, उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्व में बात की है, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है और पूरा प्रयास होगा कि जो हमारे यहाँ का अधीक्षण अभियंता का जो कार्यालय है, जिसमें हमारी बहुत से काम होते हैं, अल्मोड़ा जाना पड़ता, नहीं तो पिथौरागढ़ जाना पड़ता है, उसकी उपयोगिता को देखते हुए अधीक्षण अभियंता PWD का कार्यालय बागेश्वर में ही हो, उसमें यहाँ के कर्मचारियों का भी हित सुरक्षित है, हमारे काम करने वाले ठेकेदारों का भी हित सुरक्षित है और जनप्रतिनिधियों का भी हित सुरक्षित है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ज्ञापन आपने दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।